नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा हम बात करेंगे फिर कुछ दोस्ती के बारे में, और ऑफ कोर्स मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। और देखिए, आप सब कुछ रिलेट करते हैं इस बात से कि नहीं करते हैं। अब मैं एक वीडियो देख रही थी, एक चैनल है इसमें यूट्यूब में, जिसमें लोग आते हैं और अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं। तो उसमें एक प्रिया मलिक करके लड़की है, कई बार आती है, कई बार देखा उसको। तो वो अपनी एक दोस्ती की कहानी सुना रही थी और उसने ये बताया कि भाई बचपन में उसकी कोई दोस्त थी, बहुत अच्छे दोस्त थे, पर प्रॉब्लम ये हुई कि आगे चल के कुछ एक ऐसा किस्सा हुआ या एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें इनको लगा कि भाई उनकी दोस्त ने उनको धोखा दिया या बिट्रे किया, और उस चक्कर में फिर उन्होंने उससे दोस्ती ख़त्म कर दी और बदला सा लिया अपने तरीके से। ये बताया कि 10 साल बाद अब जब वो मतलब काफ़ी मैच्योर हो गए हैं सब, तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि फेसबुक पे उस बंदी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और इनको रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो रिवेंज था वो बहुत छोटा था, उससे बड़ी चीज़ है माफ़ करना और आगे बढ़ना, और दोनों की दोस्ती अब वापस हो गई। और जिस चीज़ को इन्होंने इतनी शायद तूल दी थी उसमें, उसके बारे में तो शायद उस दोस्ती उस लड़की को याद भी नहीं है। तो इसी किस्से को वो नरेट कर रही थी और यही बात हो रही थी कि जो दोस्ती है वो कितनी नायाब चीज़ होती है, क्योंकि कोई भी रिश्ता जो अगर दोस्ती और बात नहीं होती उसमें, तो वो ख़त्म सा हो जाता है। चाहे वो आपका फ्रेंड्स, सीरियसली फ्रेंड्स का रिश्ता हो, चाहे वो आपके जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो उसका रिश्ता हो, क्योंकि दोस्ती का मतलब है कि बातचीत करना, बातचीत करने का मतलब है कि अपने सीक्रेट्स शेयर करना, क्योंकि उससे ज़्यादा तो बेहतर और कोई सीक्रेट, आपके जो दोस्त होते हैं वही आपके सारे सीक्रेट सब कुछ सहेज के रखते हैं और वही एक जरिया होते हैं जहां आप बात करके अपने दिल को हल्का करते हो। तो इस टेप को मैंने सुना तो बहुत दिनों बाद मुझे दोस्तियां याद आने लगी फिर से एक बार। तो ऐसा नहीं है कि मैंने दोस्ती पे पहले कोई वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन एक बार और सही। तो मुझे ये लगता है जो मैंने महसूस किया इतने टाइम में, कि जो रिलेशनशिप्स होते हैं सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल शायद रिलेशनशिप्स वही होते हैं जहाँ दोस्ती होती है। जो अगर रिलेशनशिप्स इस उस पर बने हों कि बस हम साथ रहने वाले हैं और हम अपनी अपनी ड्यूटीज़ निभाते हैं, कि पति अपनी ड्यूटी निभा रहा है और पत्नी अपनी ड्यूटी निभा रही है, कम्युनिकेशन के नाम पर बड़ा सा ज़ीरो, बातचीत तो होती नहीं खास। हाँ, जो पत्नी के कर्तव्य हैं पत्नी निभाती रहती है, जिसमें इंक्लूडेड है बच्चे पैदा करना, और जो पति के कर्तव्य हैं वो निभाता रहता है, जिसमें इंक्लूडेड है पैसा लाना है घर में। बाकी जो कम्युनिकेशन है वो ज़ीरो है, एक दूसरे को समझना ज़ीरो है, सब कुछ ख़त्म है। और कई बार ऐसे रिलेशंस जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं यानी हस्बैंड वाइफ, उनको पता भी नहीं चलता कि गड़बड़ क्या हो रही है और ऐसे ही जीवन काट देते हैं पूरा। पर जो हेल्दी रिलेशंस होते हैं उनमें देखा है कि दोस्ती होती है। अगर आप देखें कि जो मोहब्बत या जो इश्क की नींव है वो भी दोस्ती ही होती है, और दोस्ती में क्या होता है ना कि जो झिझक होती है वो ख़त्म हो जाती है। आप दोस्त से हर चीज़ शेयर करते हो, फिर वही दोस्त अगर आपका जीवन साथी बन जाता है तो डेफिनेटली चीज़ें गुल से गुलजार हो जाती हैं, क्योंकि आप शेयर तो करना छोड़ते नहीं हो ना, क्योंकि आपका वो दोस्त है तो हर बात आप उससे शेयर करते हो और बाकी चीज़ें भी शेयर होने लगती हैं, तो अच्छा हो जाता है। ऐसा मुझे महसूस होता है, पहले मुझे ऐसा नहीं लगता था लेकिन अब लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो रिश्ते काफ़ी नाकामयाब होते हैं जहाँ दोस्ती नहीं होती।
तो फिर जैसा मैंने कहा, मुझे दोस्तों की थोड़ी सी ख्याल आने लगे और मैंने सोचा कि भाई चलो इस बारे में थोड़ी बात की जाए। तो मैंने देखा ये जो दोस्ती के रंग होते हैं या जो दोस्त होते हैं, ये भी समय के साथ बदलते हैं। अब पता नहीं, जो मैंने महसूस किया है, मैं करीब 17 साल से हूं ऑस्ट्रेलिया में। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो जब से आए हैं तब से हैं साथ और अभी भी साथ हैं, पर कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो उससे भी पहले से साथ में थे लेकिन अब साथ में नहीं है। तो उन्हीं में से एक दोस्ती की बात बताऊं, दो दोस्तों की बात बताती हूं। तो कई बार क्या होता है, अब और एक चीज ये भी बताऊं कि जब एक बार दोस्ती में दरार आ जाती है या एक बार दोस्ती में कुछ खट्टापन आ जाए, तो वापस से उस दोस्ती को उस लेवल के लाने में मुश्किल होती है। पता नहीं, वो चीज नहीं आ पाती जो पहले थी। मैं आपको दो एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। तो मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी। एक समय ऐसा था, दो दोस्तों की बात बता रही हूँ तो दोनों के साथ, एक समय ऐसा था कि मेरे दिमाग में ये रहता था कि जो अगर मुझे कभी कुछ हुआ तो शायद ये लोग हमारे बच्चे का या मेरे बच्चों का ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। ये मैं कभी नहीं सोचती थी कि मेरे पति देखेंगे, कि सास देखेंगी, कि मेरी बहन देखेगी, कि या कुछ मुझे अगर कुछ होगा तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि ये खास करके एक दोस्त है, वो मेरे बच्चों को अच्छे से देख पाएगी और शायद मेरे बच्चे उनके साथ खुश भी रहेंगे अगर मुझे कुछ हो जाता है। अभी सोचती हूँ तो लगता है कैसे ही सोचती थी, क्यों सोचती थी, क्योंकि अब वो रिश्ता वैसा नहीं रहा। तो एक दोस्ती में तो क्या हुआ कि नहीं होता, आपको लगता है कि आप किसी के बहुत क्लोज हो कि आपको उसको उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि भाई वो तो घर जैसा है ना, तो अगर कोई कमी पेशी है तो उसमें ही कर दो, बाकी सबका ध्यान रख लो। कई बार ये चीज़ गलत हो जाती है और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। कहीं एक जगह हम लोग गए, सारे बहुत सारे लोग थे साथ में। अभी जो खास करके दोस्त थी उसको लेकर हम गए वहाँ, और उसको वहाँ ये कॉन्फिडेंस था कि मेरा उसके साथ साथ या मेरा उसके साथ व्यवहार हमेशा स्पेशल रहेगा ऐसी गैदरिंग में। और चूंकि मैं बहुत बिजी या व्यस्त थी और मुझे हमेशा ये लगा कि अरे ये तो घर की है टाइप्स, तो मैंने उतना ध्यान उस पर दिया नहीं। और जब उस जर्नी से हम वापस आए तो हमारे रिश्तों में खराश सी आ गई पहले। अच्छा, ऐसी खराश कि फिर मिलना जुलना जो हम बहुत ज़्यादा मिलते थे और समय एक साथ बिताते थे, वो सब खत्म सा हो गया, धीरे 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 करके एकदम खत्म हो गया। अच्छा, मुझे कुछ हद तक तो पता था कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई, पर फिर भी क्लियरली नहीं पता था। अच्छा, मेरे साथ एक है चीज़ कि मुझे थोड़ा क्लोजर की इच्छा होती है कि मुझे पता चले कि हुआ क्या है टाइप्स, कि क्यों ऐसा हो गया। तो मैंने कोशिश करी और इस बंदी ने मुझे बता दिया कि क्यों ऐसा हुआ, तो एटलीस्ट मुझे अपना केस प्रेजेंट करने का मौका मिला। और वो करने की वजह से शायद हमारी दोस्ती में दरार नहीं आ पाई। खराश आई थी लेकिन दरार नहीं आ पाई, क्योंकि हमने ओपनली एक दूसरे से बात कर ली। जो गिले शिकवे थे उनको कुछ कोशिश करके मिटा दिया, या नहीं पूरी तरह अगर ना भी मिटे हों तो फिर भी हल्के तो पड़ गए। और जो खराश आई थी बीच में उसको क्लियर करने की कोशिश कर ली। तो वो दोस्ती आज भी कायम है और हम अच्छे से मिलते जुलते हैं, और उम्मीद है ये दोस्ती कभी गड़बड़ नहीं होगी। उम्मीद ही कर सकते हैं। दूसरी दोस्ती जिस पे मैं कितनी बार ऐसा हुआ था कि मुझे ध्यान है कि कोई शो किस में देख रहे थे, मैं उसमें ऐसा था कि कोई गेम वो लोग खेलते हैं कि आप अपने दोस्त को मतलब फ़ोन करें जिन पर आप रिलाई करते हो, और आप उनको बोलें कि वो आपको $1,000 दें बिना क्वेश्चंस पूछे, कोई क्वेश्चन ना पूछें, सिर्फ आप बोलें कि भाई मुझे अर्जेंटली ज़रूरत है और वो आपको दे दे। जो अगर सामने वाला दोस्त अग्री कर जाता है तो
ये फिर उनको पैसा देते हैं दोनों को 1000-1000। तो कई बार कैसे ऐसे, तो ये जब गेम मैं सुनती थी रेडियो पे, तो मुझे हमेशा याद आते थे दो दोस्त। और मैंने अपनी लड़की से भी बोला था कि कुछ भी हो जाए, इन लोगों को तो मैं आंख मूंद कर फोन कर सकती हूँ, और क्या 1000 क्या, मैं 5 भी मांगूंगी तो ये दे देंगे बिना पूछे। ऐसा मैं महसूस करती थी। और इस बात पे कई बार मेरी लड़की ने ये भी बोला है कि मम्मा यू आर लकी टू हैव सच फ्रेंड्स, कि उसके पास ऐसा कोई नहीं था। लेकिन अब विचार पलट गया है। तो दूसरी दोस्ती की बात की जाए, ये दोस्ती ऐसी थी जो यहां आने से पहले की थी, बहुत पहले से थी ये दोस्ती। और मैं काफी खास समझती थी इस दोस्ती को, बहुत मायने रखती थी ये दोस्ती मेरे लिए। लेकिन फिर अचानक, कारण मुझे आज तक पता नहीं चला है, लेकिन अचानक कुछ बातचीत में फेर देखने लगा। जो दोस्ती थी उसका तरीका कुछ बदलने सा लगा। आज तक मुझे पता नहीं है क्यों, लेकिन हाँ बदलने सा लगा। अच्छा, अब मैं तो भाई स्कॉर्पियो हूं, तो कुछ तो हरकतें मेरी भी होंगी। तो जब ऐसा होने लगा तो फिर मेरा जी उस दोस्ती से उचड़ गया। क्योंकि पहले ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की जानने की कि कारण क्या था, मैंने कोशिश करी, लेकिन कुछ जवाब नहीं आया खास, कुछ क्लैरिटी नहीं आई। लेकिन ये क्लैरिटी आई कि अब वो दोस्ती तो नहीं है, ये क्लैरिटी आ गई। तो जब ये आ गई तो फिर मेरा जी उचट गया उस दोस्ती से। और जब जी उचट गया तो उचट गया, और वो दोस्ती खत्म सी हो गई। अब जब इसको प्रिया मलिक को मैं सुन रही थी और उसने बोला ऐसा कि भाई दोस्ती ज्यादा जरूरी है, और आपका जो रिवेंज और ये सब है ये अलग है, लेकिन उससे बढ़कर है फॉरगिवनेस और ये और वो, और आज वो लोग वापस दोस्त हैं दोनों, तो मुझे इन दोस्तियों के बारे में याद आया। और मैंने सोचा कि बताओ, ऐसा नहीं है कि मेरे पास आज दोस्त नहीं है, हैं दोस्त बहुत हैं, सब हैं। बहुत दोस्त ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं, और नए दोस्त भी बहुत सारे बने हैं, बहुत क्लोज भी हैं लोग। लेकिन जो बात, एक चीज होती ना कि जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हो और फिर वो ट्रस्ट खत्म हो जाता है, तो फिर दूसरे पे उस लेवल का ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और जिस पे आप ट्रस्ट पहले करते थे, अगर वो कोशिश करे वापस ट्रस्ट बिल्ड करने की, तो वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब एक बार चीज में दरार आ जाए तो वो वापस, उन्हें कहते रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ लग जाए। अर्थात कि जो प्यार का रिश्ता होता है, चाहे वो दोस्ती का हो या रिश्ते का हो या पार्टनरशिप का हो, ये पहले तो तोड़ना नहीं चाहिए और खींचना नहीं चाहिए। अगर उसमें खींच कर आप उसे तोड़ देते हो किसी वजह से, तो फिर उसका जुड़ना मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल क्या, असंभव हो जाता है। जो अगर आप उसे जोड़ने की कोशिश करते हो तो फिर उसमें गांठ पड़ जाती। नहीं, जब आप रस्सी खींचो या धागा आप खींच के तोड़ते हो, दो टुकड़े हो जाते हैं, फिर अगर उनको जोड़ना हो तो फिर गांठ ही लगानी पड़ती ना बीच में, वो स्मूथनेस चली जाती है। ऐसा ही कुछ दोस्तियों के साथ, मेरी दोस्तियों के साथ हुआ कि खींच गई हैं, खींच कर टूट गई हैं। जब टूट गई हैं तो फिर अब जुड़ना मुश्किल हो रहा है, और गांठ लगी का, गांठ लगे जो जुड़ाव हैं वो मुझे पसंद नहीं आते खास। दोस्ती और रिश्तों को लेके थोड़े से सतर्क हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे धागे ऐसे हैं जो टूट से गए हैं और जिनको जोड़ने की अब इच्छा रही सी नहीं, क्योंकि वही ना, जोड़ने की कोशिश करेंगे तो गांठें पड़ेंगी, और फिर गांठों का क्या मतलब है ना। तो दोनों तरफ की चीजें हैं। अब इससे मेरे कहने का तात्पर्य यही है आज के वीडियो से कि जो लोग वहां दोस्तों, जो गहरी दोस्तियां हैं, उनको प्लीज संभाल के रखिए, क्योंकि जो अगर एक बार टूट जाती है ना, तो फिर जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो मेरे साथ हो गया है, जो मैं जोड़ ही नहीं सकती क्योंकि जी उचट गया उससे, उस चीज से, है ना।
तो जब वो चढ़ गया है तो फिर वो जाना वापस उस तरफ मुश्किल होता है। पर तो आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि जो गहरी दोस्तियाँ हैं उनको कोशिश करके उस उतना मत खींचे कि वो टूटे वो धागे, उसमें हमेशा ढील रखिए और हमेशा मजबूत रखिए। क्योंकि जब टूट जाते हैं तो तकलीफ तो होती है ना, उस तकलीफ से अगर बचना है तो, और जो अगर रिश्ते कायम रखने हैं तो, वरना तो क्या है, जैसे हमारे टूट गए आपके भी टूट सकते हैं, फिर जुड़ के तो ना जुड़ेंगे, है ना। तो ध्यान रखें, जो चीजें मायने रखती हैं उनको ढील दे के रखें, जो चीजें, जो रिश्ते, जो दोस्तियां मायने रखती हैं उनको सम्मान दें और उनके साथ पेशेंस से पेश आए। पेशेंस भी याद आया, गौर गोपाल दास इन्होंने एक चीज पेशेंस पे बोली थी जो मुझे बहुत जमी, तो मैंने सोचा वो भी आपसे शेयर करूं। उनका कहना था कि पेशेंस विद गॉड इज कॉल्ड फेथ, पेशेंस विद वन सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस विद अदर्स इज कॉल्ड रिस्पेक्ट, एंड पेशेंस विद योर फैमिली, चाहे वो वाइफ हो, बच्चे हो, जो भी हो, इज कॉल्ड लव। नहीं, बहुत बड़ी चीज है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी यू।